बिग बॉस ओटीटी 2 कई सारे बवालों के बाद अपने फिनाले वीक में एंट्री लेने जा रही है, लेकिन अभी भी शो में 8 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 4 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से 2 का पत्ता इस वीकेंड के वॉर पर शो से कट सकता है, लेकिन वो 2 कंटेस्टेंट कौन होंगे इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो इस हफ्ते मनीषा रानी को भर भर कर वोट्स मिल रहे हैं और वो वोटिंग ट्रेंड में नंबर 1 पर लगातार टिकी हुई है। बिग बॉस ओटीटी 2 में इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की माने तो मनीषा के बाद लोगों ने जिया शंकर को खूब वोट दिए हैं। कहा जा रहा है कि अगर डबल एविक्शन इस हफ्ते होता है तो एलिमिनेशन की गाज अविनाश सचदेवा और जैद हदीद पर गिर सकती है, और अगर एक ही सदस्य को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो वो जैद हदीद हो सकते हैं। बता दें कि एल्विश यादव ने ऐसे तो बतौर वाइल्ड कार्ड शो में एंट्री ली थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो शो के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बन गए हैं। एल्विश यादव को बीते दिन लाइव फीड में मनीषा रानी से बात करते देखा गया था, जिसमें एल्विश ने फुकरा इंसान और मनीषा का गेम एक्सपोज कर दिया था। एल्विश का कहना था कि तुम दोनों शाणे नहीं हो, लेकिन खुद को दिखाते हो और वो भी हो जाता है क्योंकि सामने वाला बेवकूफ है। वैसे आपकी क्या राय है एल्विश के इस कमेंट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।